आखिरकार दिल्ली एमसीडी चुनावों की बारी आ ही गई। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान होगा, जबकि मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव तारीखों की घोषणा शुक्रवार को दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने की। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होगा। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में विभाजित था और इसमें कुल 272 वार्ड थे। हालांकि नए परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें रिजर्व हैं, जबकि महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली के सभी 250 वार्ड में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 50,000 से ज्यादा ईवीएम रखी गई हैं। वोटर की सुविधा के लिए चुनाव में 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी। चुनाव में 250 ARO, 2,000 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। उम्मीदवारों के नामांकन 68 जगहों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार में 8,00,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। पिछले चुनाव में खर्च सीमा 5.75 लाख रुपए थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। अब मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी। लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। दिल्ली में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स और पोस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।